मूवी की शुरुआत होती है और हम मिशेल को उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ में देखते हैं। मिशेल का उसके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए मिशेल अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ रह रही थी। इसके बाद हम मिशेल को एक ऑफिस में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिशेल एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है और इस कंपनी के जो ओनर है वो कोई और नहीं बल्कि वो मिशेल के डैड ही है। इस समय मिशेल की कंपनी काफी लॉस में चल रही थी, इसलिए कंपनी के सभी एम्प्लॉयज इस कंपनी को बेचना चाहते थे। लेकिन मिशेल सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि इन्हें अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से अटैच कर लेते हैं तो इनकी कंपनी कुछ दिनों में दोबारा से प्रॉफिट करने लगेगी। मिशेल का ये आइडिया इसके डैड को काफी पसंद आता है, इसलिए ये मिशेल को ऐसा करने के लिए एक चांस देते हैं। इसके बाद मिशेल जब अपने घर आती है तब हम यहाँ मिशेल की बेटी डारा को देखते हैं। मिशेल अपनी बेटी डारा के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने आती है। डिनर करते समय मिशेल रियान नाम की एक लड़की को देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट कर रहा था। रियान की गर्लफ्रेंड रियान को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। रियान जब मिशेल को देखता है तब मिशेल घबरा जाती है और ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर मिशेल को पता चलता है कि इसने अपना डेबिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया है। मिशेल अपना डेबिट कार्ड लेने वापस से रेस्टोरेंट में आती है। रियान अभी भी रेस्टोरेंट में ही था। रियान जब मिशेल को देखता है तब ये मिशेल से मिलने उसके पास आता है। रियान मिशेल से जिन के लिए पूछता है तो मिशेल भी जिन के लिए हाँ कह देती है। जिन करते समय रियान मिशेल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रियान मिशेल को किस करने ही वाला था कि मिशेल इसे रोकती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। मिशेल यहाँ से जाने लगती है लेकिन रियान इसे रोक कर इसे अपना नंबर देता है। इसके बाद मिशेल जब अपने घर आती है तब ये रियान के नंबर को डस्टबिन में डाल देती है। अगले दिन मिशेल जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तब ये डस्टबिन से रियान का नंबर निकालती है। मिशेल रियान को कॉल करने का सोचती है लेकिन मिशेल को ये कुछ ठीक नहीं लगता, जिसकी वजह से ये रियान को कॉल नहीं करती। इसके बाद हम मिशेल को उसके ऑफिस में देखते हैं। मिशेल ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताती है। मिशेल कहती है कि अगर हम इस प्लान से किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो हमें अपनी कंपनी बेचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ इस महीनों में अपनी ही कंपनी से प्रॉफिट बनाने लगेंगे। मिशेल का ये आइडिया मिशेल के डैड को काफी पसंद आता है। मिशेल अपने प्लान की रिसर्च के लिए अपने डैड से कुछ दिनों का टाइम मांगती है। इसके बाद मिशेल जब अपने घर पर होती है तब इससे मिलने इसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज आता है। जॉर्ज मिशेल को प्रपोज करता है लेकिन मिशेल इसका रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि मिशेल जॉर्ज के साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। जॉर्ज मिशेल से शादी करना चाहता था लेकिन मिशेल इसे शादी के लिए मना कर देती है। खुद की बेइज्जती होने के बाद जॉर्ज यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिशेल जब ऑफिस में थी तब ये रियान को कॉल करती है। रियान मिशेल को मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए मिशेल ऑफिस का काम छोड़कर रियान से मिलने आती है। मिशेल और रियान काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मिशेल को याद आता है कि आज इसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए ये मिशेल को गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। आज रात मिशेल फिर से रियान से मिलती है, जिसकी वजह से रियान को अपने ऑफिस में लेकर आती है। ऑफिस में अब कोई भी नहीं था, इसलिए मिशेल रियान के करीब आने लगती है। रियान अब तो पहले से ही मिशेल की लेना चाहता था, इसलिए ये मौका पाकर मिशेल को उसके ऑफिस में ही लपेट लेता है। मिशेल को अच्छी तरह से लपेटने के बाद रियान मिशेल को क्लब लेकर आता है। क्लब से जाते समय रियान दोबारा से मिशेल के करीब आने लगता है। क्लब का गार्ड इन दोनों को ही देख रहा था, इसलिए मिशेल रियान को ये सब करने से रोकती है। इसके बाद रियान मिशेल को अपने घर लेकर आती है। घर आकर रियान मिशेल के साथ खपागप करता है। रियान के साथ खपागप करने से मिशेल काफी खुश थी, लेकिन तभी इसके डैड इसे कॉल करके इस पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि मिशेल की आज एक बड़ी कंपनी के बॉस के साथ मीटिंग थी। लेकिन मिशेल रियान के साथ खपागप करने में बिजी थी, इसलिए इसे याद ही नहीं था कि आज इसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिशेल अपने डैड से सॉरी बोलती है। इसके बाद मिशेल जब अपने घर पर होती है तब जॉर्ज दोबारा से उसके पास आता है। जॉर्ज मिशेल को डेट पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मिशेल जॉर्ज के साथ डेट पर जाना नहीं चाहती थी। मिशेल जॉर्ज को बताती है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैं खुद किसी और के पीछे पड़ी हूँ। मिशेल की बात सुनकर जॉर्ज सैड होकर यहाँ से चला जाता है। एक दिन मिशेल जब अपनी मीटिंग के लिए जा रही थी तब रियान इसे एक अलग टाइप का खिलौना देता है, जिसे अंदर डालने पर वाइब्रेशन होने लगती है। इस खिलौने का रिमोट रियान अपने पास रखता है। मीटिंग के समय रियान अपने रिमोट से उस खिलौने को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से मिशेल मीटिंग में ही अजीब तरीके की हरकत करने लगती है। इसके बाद मिशेल जेसी नाम के एक आदमी से मिलती है। जेसी एक बड़ी कंपनी का बॉस था। मिशेल ने जेसी के साथ एक बार मीटिंग कैंसिल कर दी थी, इसलिए जेसी मिशेल से नाराज था।
जेसी मिशेल से इसके प्लान के बारे में पूछता है। तब मिशेल जेसी को अपने प्लान के बारे में बताती है। मिशेल जेसी को अपना प्लान बता ही रही थी कि तभी रेयान उस खिलौने को दोबारा से ऑन कर देता है। वो खिलौना मिशेल के अंदर ही था, जिसके वाइब्रेशन से मिशेल जेसी को अपना प्लान अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मिशेल की इस हरकत से जेसी इससे बात किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। जेसी के जाने के बाद मिशेल रेयान पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हम मिशेल को उसकी बेटी डारा के साथ में देखते हैं। डारा अपनी मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। डारा कहती है कि ये एक लड़की को पसंद करने लगी है। डारा की बात सुनकर मिशेल इस पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन मिशेल जब अपने ऑफिस में आती है तब उसके डैड उस पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि मिशेल कुछ दिनों से अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। मिशेल अपने डैड को सॉरी बोलती है और कहती है कि अब ये ऑफिस का काम अच्छे से कंप्लीट करेगी। मिशेल अब पूरा दिन ऑफिस का काम करती है और रात में ये रेयान के घर जाकर उसके साथ गपागप करती है। मिशेल रेयान से इसके बीते हुए कल के बारे में उससे पूछती है, लेकिन रेयान मिशेल की ये बात इग्नोर कर देता है। एक दिन मिशेल रेयान से मिलने एक क्लब में आता है। क्लब में मिशेल को रेयान की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। रेयान की एक्स गर्लफ्रेंड को जब पता चलता है कि मिशेल रेयान के साथ रह रही है, तब ये मिशेल को वार्न करती है और बताती है कि रेयान एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके साथ रहना नहीं चाहिए। मिशेल इस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मिशेल रात में ही रेयान के घर उसके साथ गपागप करने के लिए आती है। घर आकर मिशेल देखती है कि रेयान इसकी बेटी डारा के साथ ही गपागप कर रहा था, यानी कि डारा का जो बॉयफ्रेंड था वो कोई और नहीं बल्कि वो रेयान ही था। ये सब देख मिशेल रेयान पर काफी गुस्सा होती है, जिसकी वजह से रेयान हंसते हंसते यहाँ से जाता है, क्योंकि इसने माँ और बेटी दोनों की ले ली थी। अगले दिन मीटिंग के समय मिशेल के डैडी डिसाइड करते हैं कि अब ये अपनी कंपनी को बेच देंगे, क्योंकि इनकी कंपनी हद से ज्यादा लॉस में चली गई है। मिशेल अपने डैड से अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक और मौका मांगती है, लेकिन मिशेल के डैड मिशेल को अब कोई भी चांस देना नहीं चाहते थे। मिशेल इस बात से काफी अपसेट थी कि तभी रेयान इसे मैसेज करता है। मैसेज में लिखा था कि ये जब चाहे तब इसकी बेटी के साथ खपागप कर सकता है। मैसेज पढ़ते ही मिशेल रेयान के घर आकर रेयान को मारने लगती है। कुछ देर फाइट चलने के बाद मिशेल रेयान को बेहोश करके इसे बांध देती है। रेयान को जब होश आता है तब मिशेल इसे खूब टॉर्चर करती है। यहाँ से जाते समय मिशेल रेयान से कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा हथियार काट कर तुम्हारे ही पिछवाड़े में डाल दूंगी। ये बात सुनकर रेयान समझ जाता है कि इसने गलत औरत से पंगा ले लिया है। इसके बाद मिशेल अच्छे से तैयार होकर अपनी मीटिंग अटेंड करती है। मिशेल के अंदर अब किसी भी चीज का डर नहीं था, इसलिए अब ये अच्छे से अपना प्लान सभी को बताती है। मिशेल जेसी से भी मिलती है और इसे भी अपने प्लान की एक फाइल देती है। फाइल पढ़कर जेसी को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और ये मिशेल को कल आने के लिए कहता है। अगले दिन जेसी मिशेल के कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पेपर पर साइन करके मिशेल को दे देता है। मिशेल के इस काम से मिशेल के डैड काफी खुश होते हैं, क्योंकि मिशेल ने इनकी कंपनी को बिकने से बचा लिया था। मिशेल अपनी सेक्रेटरी के साथ जश्न मना रही थी कि तभी जेसी यहाँ आता है। मिशेल अब जेसी के साथ खपागप करने का प्लान बनाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।